रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर सैकड़ों बॉडीगार्ड बारीकी से नजर रखते हैं, जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनका खाना चुपके से तैयार किया जाता है और वह जो कुछ भी पीते हैं उसे पहले उनके निकटतम सलाहकार जांचते हैं। केजीबी के पूर्व अधिकारी पुतिन के आसपास मौजूद खतरों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, खासकर युद्ध के समय। पुतिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं और इसके चलते उनके सामने कुछ अतिरिक्त सुरक्षा जोखिम पैदा हो गए हैं। लेकिन कौन है जो पुतिन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। मौजूदा वक्त में रूस में संचालित कई सुरक्षा सेवाओं में एक विशेष रूप से राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इसे रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के नाम से जाना जाता है। यह रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSO को रिपोर्ट करती है, जिसका गठन KGB से हुआ था। KGB खुद उच्च रूसी अधिकारियों को सुरक्षा देने का काम करती है। काले सूट पहने, कानों में एयरफोन लगाए ये गार्ड परछाई की तरह दिन रात पुतिन के साथ रहते हैं। रूस का सरकारी स्वामित्व वाला मीडिया रशिया बियॉन्ड के अनुसार, जब ये एजेंट विदेश में गतिविधियों के दौरान पुतिन के साथ जाते हैं तो वे खुद को 4 मंडलियों में बांट लेते हैं। उनका सबसे करीबी घेरा उनके अपने निजी गार्ड्स का होता है। दूसरा घेरा उन गार्ड्स से बनाया जाता है जिन पर जनता का ध्यान नहीं जाता। तीसरा घेरा भीड़ की परिधि को घेरता है और इसमें संदिग्ध लोगों को आने से रोकता है। और चौथा और सबसे आखिरी घेरा आसपास की इमारतों की छतों पर स्थित स्नाइपरों का होता है। मार्क गैलितो रूसी सुरक्षा के विशेषज्ञ और इस देश में सुरक्षा मुद्दों का विश्लेषण करने वाली कंसल्टिंग फर्म मायाक इंटेलिजेंस के निदेशक हैं। उन्होंने BBC को बताया कि पुतिन को हेलीकॉप्टर पसंद नहीं है। वह आमतौर पर मोटरसाइकिल सवारों, कई बड़ी काली कारों आदि के साथ एक बड़े काफिले में यात्रा करते हैं। इसके लिए कई बार हवाई क्षेत्र में कोई भी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, यातायात रोक दिया जाता है। रूस की राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा रूसी नेशनल गार्ड को 6 साल पहले पुतिन ने खुद बनाया था और कुछ लोग इसे राष्ट्रपति की व्यक्तिगत सेना बताते हैं। यह रूसी सशस्त्र बलों से अलग है, हालांकि इसका आधिकारिक मिशन रूसी सीमाओं को सुरक्षित रखना, आतंकवाद से लड़ना और सार्वजनिक कानून व्यवस्था की रक्षा करना है। व्यवहारिक रूप से इसका सबसे महत्वपूर्ण काम खतरों से पुतिन की रक्षा करना है। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में रूस अकेडमिक विशेषज्ञ स्टीफन हॉल BBC को बताते हैं कि हर कोई जानता है कि रूसी नेशनल गार्ड काफी हद तक पुतिन के निजी गार्ड हैं और राष्ट्रपति उनके बाकी सुरक्षा सेवाओं के घेरे में बहुत सुरक्षित हैं। ये जानना मुश्किल है कि पुतिन की रक्षा के लिए किस किस उपाय को किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्रेमलिन और रूसी सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस मामले पर कुछ प्रकाश डाला है। जिस बारे में पुतिन का सुरक्षा घेरा सबसे ज्यादा सख्त है वो है खाना। मार्क गैलितो के अनुसार जहर के डर से पुतिन के पास एक व्यक्तिगत टेस्टर है जो राष्ट्रपति के पास आने वाली खाने की हर चीज की जांच करता है। साथ ही जब वह रूस से बाहर यात्रा करते हैं तो राष्ट्रपति की टीम उनके इस्तेमाल करने वाली हर चीज की जांच करती है। गैलितो बताते हैं कि वे सभी खाने पीने की चीजें लेते हैं जो पुतिन खाने वाले हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आधिकारिक शैंपेन टोस्ट है तो पुतिन उस बोतल से शैंपेन लेते हैं जो उनकी टीम उनके लिए लाती है, बाकी बोतलों से नहीं। एक अन्य उपाय जिसे पुतिन की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है वह है क्रेमलिन के अंदर स्मार्टफोन को ब्लॉक करना। रूसी राष्ट्रपति ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वह इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2020 में रूसी समाचार एजेंसी TASS के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। यह भी बताया कि अगर वह किसी के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एक आधिकारिक लाइन होती है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बार बार कहा है कि पुतिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुतिन ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें इंटरनेट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जानकार बताते हैं कि पुतिन को कागजी फाइलों के माध्यम से सूचित किया जाता है जो उनके सलाहकार उन्हें देते हैं। इस वक्त पुतिन तक लोगों की पहुंच बिल्कुल सीमित कर दी गई है। जो कुछ नेता उनसे मिलते हैं वो भी उनसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं।
आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात याद होगी। दोनों एक बड़ी सी मेज के दो सिरों पर बैठे थे। इस तरह की दूरियां बनाने की वजह कुछ हद तक कोरोना संक्रमण है, इसने आइसोलेशन को और बढ़ा दिया है। बीबीसी रूसी सर्विस के मुताबिक इस दौरान जो फैसले लागू किए गए हैं उनमें पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाले लोगों के लिए 2 सप्ताह का अनिवार्य क्वारंटीन जरूरी है। उन्हें कड़े मेडिकल नियमों का पालन करना होता है। उनके आसपास रहने वालों को निश्चित अंतराल पर कोरोना टेस्ट भी कराना होता है। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की मनाही है। कुछ इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन के इर्द गिर्द जो कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया है वह इसे लेकर एक तरह से रूसी सनक ही है। कुछ लोगों का कहना है कि केजीबी में रह चुके राष्ट्रपति को दूसरों की तुलना में यह अच्छी तरह मालूम है कि उनके लिए अपनी सुरक्षा कितनी जरूरी है। ऐसा सोचना सही हो सकता है, लेकिन पुतिन के आसपास जो सुरक्षा घेरा है वो ये बताता है कि उनकी सुरक्षा और अलगाव लगातार बढ़ रहा है। गैलितो का कहना है कि रूस में चीजें वैसी ही होती हैं जैसा पुतिन चाहते हैं।